नमस्कार जी, मैं मंजू। लंबे टाइम तक ये चलने वाले जो कॉक्सकॉम हैं, इन्हें बिना प्लांट पे सुखाए क्या हम इनके सीड कलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें ग्रो कर सकते हैं? तो मैं बताती हूँ, अगर तो ये जो फ्लावर्स आपके खिल रहे हैं और साथ में सीड इनके मेच्योर हो गए हों, तो इस तरीके से जैसे ये मेरे लगे हैं, तो ये सीड इनमें मैच्योर हो चुके हैं, ब्लैक कलर के। ये गिलहरियों ने ये खा लिए हैं, तो इसलिए ज़्यादा दिख भी नहीं रहे होंगे ऐसे। तो ये देखिए, ये एक सीड गिरा है इसमें। नहीं, सीड नहीं है ये, नहीं सीड ही है। तो मैं ये और निकालती हूँ, इस तरह से सीड निकालती हूँ। ये देखिए ये, तो तब तो आपको ये आप ग्रो भी कर सकते हो और इन्हें सेव भी कर सकते हो। ये देखिए कितने सारे ये निकले हैं। तो ऐसे तो गिलहरियाँ भी हमारे खा जाएंगी पूरे। तो ये इन्हें बिल्कुल अभी आप लगा सकते हो। तो अभी जनवरी में लगाने का टाइम है और आप इन्हें अभी ग्रो कर सकते हो। तो मैं इस बैग में ही डाल दूँगी, इसके पौधे निकल आएंगे। तो जनवरी में कौन कौन से आपने प्लांट्स फूलों के लगाने हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स लगाने हैं, तो इस पर मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। और सर्च करने के लिए आप ये लिखिए, जनवरी में लगाने वाले फ्लावर्स .. मंजू हांडा, तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे वो वीडियो शो होगा, तो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने जनवरी में लगाए जाने वाले फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बताया है। तो मेरे यहाँ के मौसम में तो ये पूरा साल भर ही खिलते रहते हैं, चलते रहते हैं और महीनों तक ये जो फूल देते रहते हैं। बस यही प्रॉब्लम है कि अगर गिलहरी वगैरह कट ना करे और अगर बारिशें जहाँ बहुत पड़ती हैं, ऊपर पानी पड़ता है, तो फिर ख़राब होने लगते हैं। तो ये फूल देखिए मेरा हो रहा है और ये गिलहरी ने कट कर दिया यहाँ से, ये बिल्कुल लुढ़ कर आई है। तो मैंने इस पे अटकाया हुआ है और पत्तियां भी इसके ऐसे मुरझाई हो गई हैं। और दूसरा प्लांट ये है। तो बस इस तरह से अगर आपके हैं तो आप इन्हें कलेक्ट कर सकते हैं सीड और उगा भी सकते हैं अभी। और ये मैंने झाड़े, तो ये देखिए नीचे कितने गिर गए हैं। तो अभी मैं इन पे निकालती हूँ सीड, फिर मैं बताती हूँ आपको और सेव कैसे करने हैं। तो अगर आपके फूल जो हैं अभी निकल ही रहे हैं और सीड अभी बने नहीं हैं, तैयार नहीं हैं, तो फिर वो बिल्कुल कच्चे हैं तो वो नहीं लगते। तो आप इस तरह से मग जहाँ कुछ प्लेट वगैरह कुछ भी ले लें, ये नीचे रख लें, तो ऐसे ये इजीली झड़ जाते हैं। ये ऐसे, ये आवाज़ आपको सुन रही होगी, तो इसमें झड़ जाएंगे ये खूब सारे। ये ऐसे झड़ जाते हैं, बस फूलों को ऐसे ऐसे करो आप, इस तरह से झड़ जाते हैं। और ये ऐसे, तो बस मैं इतने झाड़ती हूँ। और इसमें भी लगे हैं खूब सारे, ये कैमरा जहाँ ऊपर एडजस्ट थोड़ा सा कर लूँ, तो ये जो जितने भी ये बने हैं, ये इसमें पूरे सीड हैं, ऐसे ऐसे झाड़ लिए। तो अब मैं दिखाती हूँ कैमरे में, देखो ये देखो, नज़दीक से दिखाती हूँ और इनको सेव कैसे करना है आपने। तो ये मैंने इतने से ये चुन ली हैं, ये बिल्कुल तैयार सीड हैं। ये ऐसे, ये दिख रहे हैं हाथ पे। तो इनको आप ग्रो करना चाहते हैं तो मिट्टी में इनको अभी डाल दीजिए और फिर गर्मियों में इनके फूल आएंगे। तो इनको सेव कैसे करना है, तो इस तरह से लेके अगर आपके सीड सूखे नहीं हैं, धूप जा छाया में इन्हें सुखा सकते हैं। कोई इशू नहीं है कि धूप में सूखें तो वो ठीक नहीं रहेंगे, जहाँ छाया में सूखेंगे तो ठीक नहीं रहेंगे। तो लंबे टाइम तक भी प्लांट्स पे बने रहते हैं और धूप पड़ती है तो भी वो ठीक रहते हैं। तो इस तरह से ये लेने हैं। और मेरी किसी बहन ने पूछा था कि ये इन्हें सेव कैसे करना है, सारे सीड ऐसे ही होते हैं। कागज़ की पुड़िया ले लो, चाहे कोई ऐसे बोतल वगैरह ले सकते हैं, छोटी पानी वाली जैसे होती है, एयर टाइट होने चाहिए। तो ये ऐसे इस तरह से पुड़िया में डाल लिए। और ज़्यादा ऐसे चाहते हैं आपके बहुत सही तरीके से ये रहे और कीड़ा वगैरह नहीं लगे, और भी कई सीड होते हैं, ये तो बड़े हार्डी होते हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, तो आपने इनमें थोड़ी राख मिला लेनी है। किसी भी तरह के सीड हो और अगर उनमें थोड़ी सी ये लकड़ी की राख मिला दी जाए, तो फिर इनमें कीड़ा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो ऐसे राख मिला के किसी भी तरह के सीड रख सकते हैं। तो ये पुड़िया बना लें, जा सीधा पैकेट में कहीं डाल दें जो एयर टाइट होना चाहिए। तो इस तरह से ये आप रख सकते हैं,
ये बना के। और फिर किचन में आपके इस तरह से जो लिफाफे आते ही रहते हैं, ये जो जिप लॉक लगे होते हैं, तो इनको अच्छे से पहले साफ़ कर लेना है। मैंने अभी ये साफ़ नहीं किया है, तो इसमें आटा था, तो इसमें इस तरह से, ये सिर्फ मैं बताने के लिए आपको, फिर साफ़ करके इसमें ऐसे डाल देना है और फिर ये जिप लॉक कर देना है, ऐसे एयर टाइट ये हो जाते हैं। और इसको भी फिर किसी उसमें ऐसे बैग में एक दो बैग और चढ़ा सकते हैं, एक बैग भी रहे तो काफ़ी है। और फिर ऐसी जगह में रखना है जहाँ पे मॉइस्चर ना आता हो, तो बरसातों में ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि कीड़े लग जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए हमें ऐसी जगह में रखना है जहाँ पे मॉइस्चर ना आता हो और ह्यूमिडिटी ज़्यादा जिस जगह में ना रहो, सूखी जगह में इन्हें रखना है। तो ये फिर जब मर्जी इनका इस्तेमाल करो, लंबे टाइम तक ये बने रहते हैं। तो मेरा ख्याल आप सीड सेव करने का भी तरीका समझ गए होंगे। और छोटी छोटी बोटल्स होती हैं, उन्हें पहले अच्छे से धो के सुखा लेना है धूप में, फिर उनमें सेव करना है। तो मैं उनमें भी करती हूँ, तो इस तरह से भी मैं करती हूँ। चलते चलते कुछ दिखाऊँ, मेरे गार्डन में ढेरों विंटर में ये फ्लावर्स जो है हिबिस्कस के ये आ रहे हैं, और फ्लावर बर्ड्स भी खूब, पर गिलहरी नहीं छोड़ती, ये उनकी पोंछ से थोड़ा दूर था तो इसलिए बच गया। तो और भी मैं दिखाती हूँ आपको, तो वो बस ये इन्हें कट कर देती हैं जैसे ये बर्ड्स आती हैं, फ्लावर बर्ड्स आती हैं, तो कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा इस बार गार्डन में। ये मैंने ग्राफ्ट किया था, एक ही प्लांट है ये, देखिए इस पे देखो कितने क्यूट से ये फ्लावर्स आए हैं, तो देखो कैसे ये खिले हैं, और एक इसी पे ये खिला है, ये अलग तरह का है इस तरह का, तो ये बहुत बड़ा फूल होता है, तो अभी छोटा सा ये लगा है इस मौसम में। तो गिलहरी ये नहीं, एक छोड़ रही, फ्लावर बर्ड्स जैसे आते हैं तो वो इन्हें कट कर देती हैं और खा जाती हैं। तो मेरा ख्याल है और दोनों फरमाइशें पूरी हो गई जिन्होंने पूछा था कि सीड कैसे सेव करने हैं अगले सीज़न के लिए, तो वो भी आपको पता चल गया होगा। और ये कॉक्सकॉम के सीड्स के लिए, अगर इस तरह से सीड आपके तैयार हों तो फूलों को सुखाने की ज़रूरत नहीं है और आप ऐसे कलेक्ट कर सकते हैं और फूल अपने खिलते रहेंगे। नमस्ते जी, शुक्रिया।